हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू इंग्लिश। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज टेक्निक जिसे हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इट इज सिंपल येट पावरफुल वे टू मेक योर राइटिंग एंड स्पीकिंग मोर कंसाइज एंड मोर इफेक्टिव। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो निश्चित तौर पर आपको आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी करने में जरूर हेल्प करेगा। सो मेक श्योर डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, मेरे पास आपके लिए एक अमेजिंग गिफ्ट है जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से इस फ्री अमेजिंग गिफ्ट को अवेल कर सकते हैं। माई नेम इज डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम एन इंग्लिश ग्रामर ट्रेनर। आई हेल्प इन इंप्रूविंग इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहली जो बेसिक चीज है वह है व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन सिंपल टर्म हम कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसिंग अ लॉन्ग सेंटेंस और अ लॉन्ग फ्रेज विद अ सिंगल वर्ड। मतलब एक बड़े वाक्य को या फिर एक बड़े फ्रेज को एक सिंगल वर्ड से रिप्लेस करना। और यह जो सिंगल वर्ड है यह बिल्कुल बड़े वाक्य और लॉन्ग फ्रेज की तरह अर्थ देता है, तो इसे हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जो सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए है वह है वन हु अटैक्स, जिसे हम बोलते हैं असॉल्टर, आक्रमणकारी, हमलावर। नेक्स्ट वन इज वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, जो मानता है कि ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसे हम बोलते हैं एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी। नेक्स्ट वन इज वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, उसे हम बोलते हैं इलिटरेट, अनपढ़, अशिक्षित। नेक्स्ट वन इज वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, उसे हम बोलेंगे इनकॉरिजेबल, असंशोधनीय। नेक्स्ट वन इज अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला, जिसे हम बोलते हैं रीस, पुष्पाहार माला। नेक्स्ट वन इज टू गिव टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा देना, जिसे हम बोलते हैं रिटेलिएट, प्रतिशोध लेना। नेक्स्ट वन इज द डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल, बहुत से लोगों का जाना, जिसे हम बोलेंगे एग्जोडस, बहिर्गमन। नेक्स्ट वन इज गिफ्ट ऑफ मनी टू अ रिटायरिंग पीपल, सेवानिवृत्त लोगों को धन का उपहार, जिसे हम बोलेंगे ग्रेच्युटी, उपदान, उपहार। नेक्स्ट वन इज टू गिव द राइट टू वोट, मतदान का अधिकार देने के लिए, जिसे हम बोलेंगे इनफ्रेंचाइज, मत अधिकार देना। नेक्स्ट वन इज ग्रीडी फॉर मनी, धन का लोभी, जिसे हम बोलेंगे रिपेसियस, लालची। नेक्स्ट वन इज जनरल इंस्ट्रक्शंस, सामान्य निर्देश, जिसे हम बोलेंगे डायरेक्टिव, आदेश। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी, जिसको हम बोलेंगे पोस्टेरिटी, भावी पीढ़ी। नेक्स्ट वन इज फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, दंड से मुक्त, जिसे हम बोलेंगे इम्प्यूनिटी, सजा से मुक्ति, उद्धार। नेक्स्ट वन इज फॉर्मिंग ओपिनियंस इन एडवांस, पहले से राय बनाना, जिसे हम बोलेंगे प्री कंसीव, पूर्व धारणा बनाना। नेक्स्ट वन इज फॉर वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, आसन्न खतरे की चेतावनी के लिए, जिसे हम बोलेंगे प्रिमिनेशन, पूर्व सूचना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट जरूर करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपकमिंग अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।